भारत में अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। वहां से आए दिन विवादित बयान सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस के नेताओं की भी आलोचना की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे की शिकायत के बाद टिकरापारा थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के सिविल लाइन थाने में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी सिविल लाइन थाने में पहुंचे थे। बता दें, राजधानी रायपुर में रावण भाटा में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसके आखिरी दिन महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने खुले मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और महात्मा गांधी को गोली मारने वाले को प्रणाम किया। इसके अलावा कालीचरण ने 1947 के विभाजन का भी अपने संबोधन में जिक्र किया और भीड़ को चेतावनी दी कि देश में राजनीति के द्वारा एक धर्म विशेष का कब्जा हो जाएगा, वो इसके लिए तैयार हैं और आप तैयार नहीं हैं। वहीं कालीचरण के विवादित बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कालीचरण के बयान की निंदा की। देर रात थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के सामने जो हिंदूवादियों का चेहरा रखा है, ये अब बेनकाब हो रहे हैं। वर्षों से इनके चेहरे पर लिपटी धर्म की चादर अब उतर रही है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। गांधी गोलियों से नहीं मरते, गांधी विचार हैं जो हर हिंदुस्तानी में जिंदा है। महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए FIR कराई गई है। इधर देर रात रायपुर पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और कालीचरण के खिलाफ टिकरापारा थाने में अपराध क्रमांक 578/2021 दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि रावण भाटा ग्राउंड में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज के विरुद्ध प्रमोद दुबे ने शिकायत दर्ज कराई है। धर्म संसद में कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देर रात 12 बजे PCC चीफ मोहन मरकाम सिविल लाइन थाने पहुंचे। उनके साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में यूथ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेसियों ने थाने में जमकर कालीचरण महाराज के खिलाफ नारेबाजी की। मरकाम ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके विरोध में वे राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करवाने थाने पहुंचे हैं। कालीचरण बाबा ने जिस तरह से गांधी जी का अपमान किया है, ये पूरे देश का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।